हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भाई डिफेंस शेयरों को लेकर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो 4.5% आज उछला है और अपने हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग लिया। सबसे बड़ी बात तो ये, देखो डे हाई के ऊपर क्लोजिंग लेना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है कंपनी के ऊपर या फिर मार्केट के ऊपर, जो मार्केट के शेयर है, मार्केट के अंदर जो शेयर है या फिर मार्केट ऑल टाइम हाई जो डे हाई के ऊपर क्लोजिंग ले रही है, ये बहुत अच्छी बात। कई बार क्या होता है स्टॉक हाई बनाते हैं लेकिन हाई बनाने के बाद टूट जाते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है लास्ट में सेलर्स हावी हो जाते हैं जिसका अगले दिन नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। आज क्या हुआ, आज इसका बिल्कुल अपोजिट मार्केट क्लोजिंग हुई उस टाइम पर जो शेयर क्लोज लिया इसने, ये अपने डे हाई पर क्लोजिंग लिया है, तो यहाँ से स्टॉक में रिवर जो तेजी है वो और बनने के चांसेस है। इसी के चलते आप लोग देखोगे एचएल ये भी डे हाई पर क्लोजिंग लिया, 5% की रैली। भार डायनेमिक्स लिमिटेड इसमें भी 4.5% के आसपास की रैली रही है। तो इन शेयरों में क्या फिर से रिवर्सल आ गया? देखो भाई, हमारी प्रीवियस वीडियो में या फिर जो भी भाई टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं इन शेयरों के ऊपर मैं लिस्ट में जारी करके आपको दे चुका हूँ, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक हमारा शामिल था, HCL शामिल था, और दोनों शेयर आप लोग देख सकते हो भी 4.5% से 5% आज ये उछले हैं। और जिस भी भाई ने यहाँ पर जो SIP स्टार्ट किया है उन्हें बेनिफिट्स भी हुए हैं। तो मैंने किस प्रकार से आपको क्या बोला था, अगर आपको मान लीजिए इन शेयरों के अंदर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो सबसे पहले हम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, और जो 5,000 रुपये हैं वो हम टुकड़ों में इन्वेस्ट करेंगे, गिरावट हो जाएगी तो नीचे के भाव में खरीदेंगे, अगर स्टॉक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेता है, बॉटम बनाता है तो वहाँ से मौके बनेंगे, तो वहाँ से खरीदेंगे। तो अब यहाँ से आप लोग स्टॉक में नीचे से रिकवरी आई है, मार्केट भी रिकवरी ले रहा है, तो यहाँ से जो स्टॉक ऊपर ब्रेकआउट पर आएंगे तो खरीदेंगे, आगे रिजल्ट्स आ रहे हैं वहाँ से अपनी जो भी पोजिशन वगैरह उसको बनाने की कोशिश करेंगे, भी ऊपर की तरफ लेके जाना और स्टॉक्स को, या फिर अभी थोड़ा सा होल्ड कर चलते, वो स्ट्रैटेजी आपके साथ साझा करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए भाई आप देख लेते हैं, जो भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत कुछ मिस कर दोगे अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, जो भाई जुड़े हैं उन्हें पता भी है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी HCL है एक अच्छे एक्शन में है, BDL अच्छे एक्शन में, तो आगे के लेवल्स कैसे रहेंगे, HCL के 14 तारीख को रिजल्ट्स आए हैं, और BDL आप लोग देखोगे बिल्कुल फोकस में, क्यों फोकस में था भाई आज ये BDL, क्योंकि खबर ही ऐसी थी भी, आपने देखा होगा जी बिजनेस की वेबसाइट के ऊपर न्यूज़ आई हुई थी कि डिफेंस पेशों के लिए बड़ी खबर है ये, ब्राज़ील को जो अभी आकाश मिसाइल सिस्टम बेच सकती है और कंपनी लगभग ये जो डील है वो 10,000 करोड़ रुपये में कर सकती है भाई। तो ये बड़ी खबर थी और इस खबर के बाद स्टॉक हमें बिल्कुल एक्शन में दिखाई दे रहा है आज के दिन, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते भी इनके चार्ट्स के हिसाब से आगे के क्या कुछ लेवल बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिला भी यहाँ से, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे स्टॉक में अभी ऊपर से आपको जो है एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड भी दिखाई दे रहा होगा, इस लेवल से आप लोग देखोगे तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड है अभी ऊपर से। तो अभी के टाइम देखो भी जिनकी होल्डिंग है स्टॉक के अंदर, या फिर आपने खरीदारी की है, फ्रेश एंट्री ली है, टुकड़ों में इन्वेस्ट किया होगा या फिर इसके बारे में सोच रहे होंगे, तो नीचे में सपोर्ट देखो 280 का रहेगा, अभी 300 के आसपास स्टॉक फिर से आ गया जो कि बहुत अच्छी बात है, और यहाँ से डबल बॉटम का पैटर्न बनाकर उठा भी ये शेयर। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये डबल बॉटम का पैटर्न बना है ना स्टॉक में, ये देखो ये डबल बॉटम का पैटर्न बनाकर उठा है और इससे ऊपर में जो शेयर है वो एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो हमें दे सकता है भाई। यहाँ पर हम जो है अभी ऊपर में जो इसका ब्रेकआउट लेवल था वो था अभी 296 का, ये जो डबल टॉप डबल बॉटम का पैटर्न बना है, और यहाँ से टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर में जो ये शेयर हमें फिर से आप लोग देखोगे 323 के आसपास के मूव दिखा सकता है, तो ये रहेंगे हमारे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के टारगेट, नीचे में 296 का सपोर्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक भी ऊपर से हमें टूटते हुए नजर आए, भी काफ़ी अच्छी 20% के आसपास गिरावट हो चुकी थी, SIP के जो हमारे जो भी पैरामीटर्स थे वो यहाँ से स्टार्ट हो चुके थे पीछे, आपने वो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको बोल दिया था। तो यहाँ से अभी के टाइम आप लोग देखोगे भी स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिवर्सल आया है, ये भी डबल बॉटम का पैटर्न बनाकर उठा है, तो यहाँ से भी चांस रहेंगे स्टॉक में एक अच्छी रैली के, ब्रेकआउट यहाँ पर भी आया अभी, तो जिसको रिस्क नहीं लेना है 4,665 रुपये का सपोर्ट रहेगा नीचे में, और टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ ऊपर में, तो यहाँ से अगर मार्केट में अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, तो ये स्टॉक हमें जो अभी फिर से ऊपर में आप लोग देखोगे भी 5,000 रुपये तक के मूव दिखा सकता है, तो ये इसके लेवल रहेंगे, नीचे में सपोर्ट आप लोग देखोगे 4,665, जिसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। सेकंड रहेगा अभी हमारा जो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है 4,495 के आसपास का, तो ये दो सपोर्ट यहाँ पर भी बनते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी BDL जो सबसे ज़्यादा टूटा भी 25% के करीब जो शेयर है वो ये टूटते हुए नजर आया है, लगने 25% के ऊपर भी इसमें गिरावट हो चुकी थी भाई,
ऑलमोस्ट 25% 26% के आसपास शेयर टूटा और वहाँ से स्टॉक में आज हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी टाइम आप लोग देखो स्टॉक में जो ऊपर से डाउन ट्रेंड था अभी इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हमें होते हुए नजर आया है और स्टॉक ने आज डे हाई पर जो क्लोजिंग लिया ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसके सपोर्ट की, तो देखो भाई यहाँ पर जो सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर ये वाला जो कि रहेगा अभी 1335 का, और जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इसके अंदर ज़्यादातर तो उसके लिए रहेगा अभी 1370। तो ये दो सपोर्ट यहाँ पर हम जो ना भी आगे के लिए पकड़ के चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आपको 1335 के सपोर्ट पे काम करना चाहिए और ऊपर में जो शेयर है फिर से एक अच्छा एक्शन हमें दिखा सकता है, 2000 रुपये के आसपास जाने के चांसेस के हैं भाई फिर से। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस शेयर में बेस्ट है, अपने 5, 10, 20 जितने भी शेयर खरीदे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखिए भाई, कम से कम एक साल के लिए जरूर होल्ड कीजिए, स्टॉक डबल होने के चांसेस ज़्यादा है इसके। और जो भी स्टॉक स्प्लिट दिया है जिन भी कंपनियों ने डिफेंस स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट डबल हुए हैं अपने इसके बाद स्प्लिट के बाद। तो ये स्टॉक आप लोग देखो स्प्लिट के प्राइस के आसपास ही है 1400 रुपये के आसपास, तो यहाँ से डबल होने के चांसेस हैं, बट उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। और आपको डिफेंस आने वाले टाइम में किस प्रकार से दिख रहा है सेक्टर वो देखो, जो दुनिया भर में आप देखो किस प्रकार से जो ना युद्ध के आग में झोंक रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप लोग देखोगे कि हमारा देश नहीं चाहेगा कि हमें और भी मजबूती मिले, इसलिए आत्मनिर्भर भारत ये जो पहल है वो बहुत मजबूत है और आने वाले टाइम में इस सेक्टर को एक अच्छा बूस्ट देने वाली है, पीछे दे भी चुकी है और भी देगी। तो लॉन्ग टर्म अभी डिफेंस और रेलवे की कहानी समाप्त नहीं हुई है भाई, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए आने वाले 3-4 सालों के लिए 5 सालों के लिए और फिर देखो किस प्रकार से रिटर्न मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।